साइंस सेमिनार के तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा वाइवा और तीसरा होता है रिटन टेस्ट। हर बार साइंस सेमिनार के लिए एक नया टॉपिक दिया जाता है जिस पर स्टूडेंट्स को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशन किस तरह देते हैं। हर टॉपिक को बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अब आप ये बताइए, उत्तराखंड में स्टेट ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर जो मिलेट्स का जो है पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, कौन सा जनपद ऐसा है जिसमें जो है ध्यान देने पर अधिक से अधिक मिलेट का उत्पादन हो सकता है? जैसा कि मैंने उस ग्राफ में भी डिपेक्ट किया था, हमारे जो स्टेट में ना दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जैसे कि एक तो अल्मोड़ा है और दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे कि चमोली का डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी ठीक ठाक है क्योंकि मिलेट्स को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए। तो वहाँ अगर अवेयरनेस इसके बारे में और बढ़ती है तो उत्तराखंड बहुत ज़्यादा मिलेट प्रोडक्शन कर सकता है और इससे हमारे स्टेट में जो हमारे स्टेट की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और फार्मर्स को भी उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम सब इस धरती को माता की संज्ञा प्रदान करते हैं क्योंकि अनाज तो हमें इसी धरती द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार इसी अन्न के विषय में वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मिलेट से घोषित किया गया। इस प्रकार साल की शुरुआत से ही मिलेट, जिसे हम मोटे अनाज के रूप में जानते हैं, उसकी पहचान एवं स्वीकृति के लिए अनेकों कार्यक्रम किया। Today I'm standing over here to deliver a speech on millets. What are millets and why are we talking about them? Millets are the type of small seeded nutritious grasses which are commonly cultivated as a form of fodder and the form of cereal crops too. As millets are rich in protein, fiber and in mineral content too. स्टूडेंट्स को दिए गए टॉपिक की एक फाइल तैयार करनी होती है जिसे राइटअप कहते हैं। ये राइटअप एक्सपर्ट्स या जजेस को प्रेजेंटेशन से पहले दिया जाता है। प्रेजेंटेशन के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। सेमिनार में प्रेजेंटेशन के कुछ खास पहलू होते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स हर कैंडिडेट को पॉइंट देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ प्रेजेंटर, सेकेंड है साइंटिफिक फैक्ट्स गिवन बाय प्रेजेंटर, थर्ड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन और फोर्थ PPT स्लाइड्स और चार्ट, जो कि 5 हो सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंटर से एक्सपर्ट कुल 3 सवाल पूछते हैं जिनमें से 2 सही होने पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सेमिनार में सबसे लास्ट में स्टूडेंट्स को एक रिटन टेस्ट देना होता है जिसके 10 मार्क्स होते हैं।